अभी इसकी फिलहाल हालत है ना, ये देखो ये हालत हो रखी है इसकी, जुगाड़ कर रखा है ये। इतना ऑयल तो इसके बांधने के बाद से है, कल से बंधा हुआ है, कल सुबह से जो है इतना इसके अंदर आया है, और इससे पहले ना सीधा नीचे ही जा रहा था। तो फिलहाल अपने को इसमें एक दिक्कत आ गई, जो ये नया डूसर है इसकी जो चूड़ी है ना अंदर वाले एडेप्टर के साथ में मैच नहीं हो रही है। तो ये अपना हाइड्रोलिक कपलर है जो ट्रैक्टर के लिए लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज अपना F18 है ना, उसका कंप्यूटर खोलेंगे और उसके पीछे एक हेवी इम्प्लीमेंट जोड़ेंगे, तो उसके अंदर इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है ना वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कौन सा इम्प्लीमेंट है, क्या चीज़ है ना, उसको लास्ट में रखते हैं ना, जब उस टाइम जब जोड़ के लाएंगे ना उसी टाइम आपको बताएंगे। पहले क्या कुछ चल रहा है ना वो आपको दिखाते हैं। ये पीछे F18 खड़ा है और उस तरफ F33 है, उसके पीछे एक बार सिलर जोड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उसका काम है, और ये कंप्यूटर में जुड़ा, थोड़ा इसका कंप्यूटर का काम है, उसके बाद जो है ना वो अपना इम्प्लीमेंट जोड़ेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ चल रहा है। तो वो तो सिलर लेके जा रहा है और अपना यहाँ पे खड़ा है F18, मशीन वगैरह रख ली इसके ऊपर और कंप्यूटर पीछे जुड़ा हुआ है। तो एक तो इसके लिए स्पेयर पार्ट लेके आए नया, वो ये रहा। क्या चीज़ है ना आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता चल रहा है, वैसे जो आप सोच रहे हो ना वो ये नहीं है। और इस तरफ दिखाते हैं जो अभी इसकी फिलहाल हालत है ना, ये देखो काफी बुरी हो रखी है ना, तो इसको बाद में देखेंगे, एक बार चलते हैं, इसका समाधान बाद में निकाल लेंगे। इसी में लगना है अपने को, बस दो बार कोट कोट मारनी है, बाकी मिट्टी वगैरह पूरी है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। वो जा रहा अपना दूसरा ट्रैक्टर, अभी मशीन वगैरह सेट करके और इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। बस इसमें एक बार ऐसे और एक बार इस तरीके से, दो बार कोट कोट मारना है। काम अपना कंप्लीट है और बिल्कुल जीरो लेवल है, और ये खड़े अपने दोनों ट्रैक्टर। तो अभी चलते हैं वापस खेत की तरफ, मशीन वगैरह उतार ली। दोनों के कंप्यूटर को खोलते हैं।
सिद्धो एक बार वो निकाल दी ने, ये हालत हो रखी है इसकी, जुगाड़ कर रखा है जैसे तैसे करके 2 दिन चलाया है। अब इसको ठीक करना है। इन दिखाई मैंने कितो तेल है, ये इतना ऑयल तो इसके बांधने के बाद से है, कल से बंधा हुआ है, कल सुबह से जो है इतना इसके अंदर आया है, और इससे पहले ना सीधा नीचे ही जा रहा था। इस बार इतना ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर चला है, नलकियाँ वगैरह सब लीक हो रखी है, और गुल्ली की हालत आप देखो, गुल्ली दिखाई मैंने, ये देखो इसके अंदर बेरिंग वेरिंग लगा के ऊपर कर रखी है ताकि काम चला दे, और ये कंप्यूटर के हुक की हालत है। लगभग 1.5 महीने बाद 45 दिन हो गए इस ट्रैक्टर के पीछे कंप्यूटर जुड़े हुए, और आज कंप्यूटर खोला है, और इतना लंबा चलने की वजह से ना ये इसके खराब हो गए जो कपलर होते हैं ना, और ट्रैक्टर के कपलर की हालत देखो, अंदर से जो है ना खराब हो गया, ये डूसर जो है ना साइड में हट गया इसमें से, तो ऊपर वाला सही है। अब अगर ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं ना तो तेल फेंक रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब जिनको भी समझ में आया वो कमेंट कर देना क्या चीज़ है। सबसे पहले आप इस पर लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है, कपलिंग असेंबली वाल्व हाइड्रोलिक, समझ में आ गया होगा ये अपना, वैसे अपन देसी भाषा में इसको डूसर बोलते हैं ना, वो चीज़ है वो। ये ट्रैक्टर वाली साइड और दोनों इसके चेंज कर रहे हैं, और ये इनके प्राइस है ना सबसे खतरनाक तो वो है, ऊपर लिखा हुआ कितना 630, एक जो ये कपलर है 630 का पड़ा है। तो ये अपना हाइड्रोलिक कपलर है जो ट्रैक्टर के लिए लेके आए हैं, क्वालिटी और बिल्कुल ओरिजिनल लेके आए हैं एजेंसी से, इसलिए ये थोड़ा महंगा अपने को काफी पड़ गया। ये 650 का ये पड़ गया और 650 का ये दे दिया, ये कुछ नजायज ही लगा दी उन्होंने रेट, लगभग टोटल इनका हो गया 1200 रुपये के आसपास दिए थे, 630 MRP, 600 मान लीजिए, 600 का ये और 600 का आगे वाला, ये कंप्लीट अपने को पड़ गए 1200 के। महंगे तो काफ़ी हैं पर चलो एजेंसी में कुछ रेट आई होते हैं, पर चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। और ओरिजिनल लेने का रीज़न ये है, सीजन के अंदर जो है ना हमने इसके अंदर इस तरीके के जो आगे वाले कपलर होते हैं ना, ये 2-3 बदल लिए और 4-5 दिन बाद लीक हो जाते थे। देसी के अंदर चक्कर तो रहता ही है, या तो रबड़ सील है उसको खराब कर देते हैं, या आगे का ये जो पॉइंट है ना इनका ऊपर वाली टिप होती है ये लीक हो जाती है, तो इसलिए जो है ना इसको लगा रहे हैं। तो नट इसके लूज कर लिए साइड वाले, और अंदर वाला नट है ना उसको खोल रहे हैं, उसको खोल के और इसको चेंज कर देंगे। अभी तो ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही अंदर की टिप है ना खराब हो चुकी है इसकी बिल्कुल, अभी अगर ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देते हैं ना तो तेल फेंक रहा है, इसलिए इसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद काम पड़ा है काफ़ी करने वाला। और कपलर को निकालने के लिए आपको ये और ये दो नट खोलने पड़ते हैं, उसके बाद जो है 2 चाबी चाहिए, एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे लगेगी, 5 नंबर चाबी लगती है 4-5 में से, 5 सूत की जो चाबी होती है, तो उससे जो है ये नट खुल जाएंगे। हमने नीचे वाले कपलर के खोल लिए, अब इसको घुमा के और बाहर निकाल लेंगे, इसको आपको घुमाना है, ये इस तरीके से ऊपर घूम जाएगा, ये ना ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये अपना कपलर निकल चुका है, तो ये आ गया बाहर। अब इसके अंदर ये कनेक्टर होता है ये वाला, इस कनेक्टर को खोल के और अपना जो नया डूसर है इसके पीछे की साइड इसको लगा देंगे यहाँ पे, तो इस कनेक्टर को खोलते हैं, इसे अच्छे तरीके से पकड़ के, और फिर ये खुलेगा यहाँ से खुलेगा। तो फिलहाल अपने को इसमें एक दिक्कत आ गई, जो ये नया डूसर है इसकी जो चूड़ी है ना अंदर वाले एडेप्टर के साथ में मैच नहीं हो रही है, इस वजह से इसको नहीं लगा सकते, इन दोनों को एक बार छोड़ रहे हैं। तो अभी क्या जुगाड़ किया है, अभी एक बार काम चल जाए, तो उसके लिए वापस उसी को टाइट कर दिया जो पहले वाला था। इसके अंदर आपने देखा था जो अंदर की ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट टेढ़ा हो रखा था, हमने इसके अंदर एक रबड़ होता है उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो कई बार क्या होता है टूट के साइड में फंस जाता है, उस रबड़ को बाहर निकाल दिया और सीधा इसको लगा दिया, तो एक बार लीक नहीं हो रहा, अच्छे से चेक कर लिया रेस रूस दे के, तो काम चला देगा। और पीछे से ना वापस लगा दिया सारा सिस्टम, तब इसका या तो एडप्टर दूसरा लेके आना पड़ेगा ये वाला, इसकी चूड़ी है ना इस पर मैच नहीं हो रही, या फिर ये जो अपना आगे का ये है ना कपलर, इसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार काम चलाते हैं, काम काफ़ी पड़ा है, इसको बाद में जो है चेंज करवा लेंगे।
ये इसका एडेप्टर ले आएंगे। तो फिलहाल चलते हैं। सारा काम ही गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से टाइम भी खराब हो गया और काम भी नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, लेट तो हो जाएंगे, रात को पूरे लेट हो जाएंगे। इस सीजन में पहली बार हुआ है इसको किसी इंप्लीमेंट में जोड़ रहे। तूड़ी वाली मशीन में था और उसके बाद से जो कंप्यूटर में जुड़ गया, और जब से कंप्यूटर में जुड़ा, मशीन से खुलते ही कंप्यूटर में जुड़ा, और कंप्यूटर में जुड़ते ही एक दिन भी इसका कंप्यूटर नहीं खुला। बाई चांस ही शायद ही किसी दिन जो है ना, मतलब अपने को कंप्यूटर खोलना पड़ा हो, ऐसे ही चल रहा था। आज बिल्कुल बिना कंप्यूटर के चल रहा है। अभी लेट हो गए, जल्दी पहुंचना पड़ेगा। सुहागा पड़ा है, ये जोड़ देंगे इसके पीछे। यहाँ पे नरमा बिजाई किया था तो नरमा साफ हो गया। अभी गुआर बीज देते हैं, कोई बात नहीं।